अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुनाफ। मैंने ये नया चैनल बनाया है एडिटिंग के लिए। आज हम इसमें सीखने वाले हैं कि अगर अरबिक टेक्स्ट को हम प्रीमियर प्रो में लिखेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। वो आज प्रॉब्लम भी देखेंगे और उसका सोल्यूशन भी। इसके लिए पहले हम इधर एक अरबिक में टेक्स्ट लिख कर कॉपी करके फिर बाद उसमें पेस्ट करने। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ अस्सलाम वालेकुम, और ये उर्दू में है तो मैं इसको इंग्लिश में चेंज कर लूँगा ताकि ये अरबिक में कन्वर्ट हो जाए इंग्लिश। इधर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो अस्सलाम वालेकुम ये आ गया, और इसको हम कॉपी कर लेंगे। प्रीमियर प्रो में जाने के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और इधर एक हम प्रोजेक्ट बना लेंगे। प्रोजेक्ट बनाने के बाद इधर हमें कोई सा भी एक कलर सीक्वेंस चूज़ कर लेंगे ताकि सीक्वेंस में ब्लैंक ना आ जाए। इसलिए कलर सीक्वेंस एक ब्लू कलर में रख लेते हैं। इसको सीक्वेंस में पेस्ट करने के बाद इधर टेक्स्ट को अरबिक में इधर लिखते हैं, इधर पेस्ट करेंगे तो उल्टा लिखने में आ जाएगा जैसा ये आया है। अरबिक का राइट से लेफ्ट लिखा जाता है और ये लेफ्ट से राइट में आ जाएगा। इसको चेंज करने के लिए ये पहले एडिट में जाएंगे, उसके बाद प्रेफरेंसेस, उसके बाद ग्राफिक्स। ये ऊपर इधर यूरोपियन एंड ईस्ट एशियन में होगा। अब हम इसको साउथ एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न में करके ओके कर देंगे। अब आप यहाँ जो भी अरबिक टेक्स्ट लिखते हैं तो वो राइट टू लेफ्ट में आ जाएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कई ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।